सो यस गाइस, बहुत टाइम से आप सारे ही भाइयों की डिमांड आ रही थी कि क्या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जो आपको टाइमली पेमेंट्स करे, जो कि आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स दे और साथ ही साथ ये सारी सर्विसेज वो आपको दे फ्री में, जिसमें कि आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई भी करा सके। तो यस गाइस, इस तरह के क्लेम करने वाले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म इंडिया में है और मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ इन सबको, एक एक करके मैं सबको चेकआउट करता जा रहा था। तो यस गाइस, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स, अब मेरे को एक ऐसी सर्विसेज मिल चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देने वाली है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका डैशबोर्ड आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें रिपोर्ट्स आपको टाइमली मिलेगी, आपको पेमेंट्स टाइमली होगी, आप अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यस गाइस, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वर्स वन एंड इट्स सर्विसेज जो कि आपको मिलने वाली है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। बने रहिएगा इस वीडियो में। इट्स अ वॉइस सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। तो गाइज, जब भी मैं अपने वीडियोस बनाता था डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज पे, तो आपकी एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी जिसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती थी। तो आज कोशिश करते हैं उन क्वेरीज के बारे में बात करने की और किस तरह से वर्स वन आपको शायद वहां पर हेल्प कर सकता है। तो यस गाइज, इफ यू टॉक अबाउट वर्स वन, तो वर्स वन इस टाइम 190 कंट्रीज के 280 डिजिटल स्टोर्स में आपके सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बेस्ट पार्ट ये है कि विद इन 48 आवर्स आपके सॉन्ग लाइव भी हो जाते हैं। यस गाइज, ये क्लेम करते हैं कि 48 आवर्स के अंदर आपके सॉन्ग लाइव हो जाते हैं इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू जो हम आर्टिस्ट लोग फेस करते थे वो ये होता था कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कि इंटरनेशनल स्टोर्स जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक पे तो हमारे गाने को लाइव कर देती थी, बट जब बात आती थी इंडियन स्टोर्स की जैसे जियो सावन, जैसे गाना, विंक, इन सारे स्टोर्स पे गाने लाइव नहीं हो पाते थे। बट वर्स वन ने ये भी शायद क्रैक कर लिया है और वर्स वन इस टाइम आपको सारे ही इंडियन मेजर प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट दे रहा है, जिसमें कि आपका गाना लॉन्च होता है ऑन जियो सावन, विंक एंड गाना। और गाइस, इन सारे ही स्टोर्स पे अपने सॉन्ग को लाइव करने के लिए आपको किसी भी तरह की अप फ्रंट पेमेंट नहीं करनी है। यस गाइस, यू हैड इट राइट, आपको किसी भी तरह की अप फ्रंट पेमेंट नहीं करनी है और आपके सारे ही गाने इन सारे ही स्टोर्स पर लाइव हो जाएंगे जब आपके सॉन्ग्स के रेवेन्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ही वर्स वन उसमें से अपना एक छोटा सा नॉमिनल सा कमीशन चार्ज करता है आपसे। और गाइज, इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है जब भी आपके गाने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फिर कभी पब्लिक गैदरिंग में प्ले होते हैं, तो वहाँ पर जो भी रॉयल्टीज कलेक्ट होती है, जो भी सिंग सर्विसेज होती है, डिजिटल पब्लिशिंग होती है, ये सारी की सारी सर्विसेज भी ये आपको प्रोवाइड करता है। और गाइज, इन सारी पब्लिशिंग और सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने टाई अप कर रखा है इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि IRRO है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि IPRS है, और फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड। और गाइज, सारे ही इंडिया की वेल एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रॉयल्टीज कलेक्ट करती है, पब्लिशिंग रॉयल्टीज में डील करती है। वर्स वन आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ब्रॉडली हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब जाकर देखते हैं वर्स वन की एक्चुअल वेबसाइट पर और देखते हैं कि डिटेल्स में वो क्या क्या सर्विसेज आपको देने वाला है और अगर आप वर्स वन के थ्रू अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो वैसे सबसे पहले तो आपको प्ले लिस्टिंग पिचिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि जब भी आपका सॉन्ग लॉन्च होता है तो आप वर्स वन के थ्रू डिफरेंट प्ले लिस्ट, जो डिफरेंट मूड, डिफरेंट जॉनर्स की प्ले लिस्ट है, वहाँ पर अपने सॉन्ग को आप पिच कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है नियर फ्यूचर में। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने लिरिक्स को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। हमारे जितने भी म्यूजिक स्टोर्स हैं वहाँ पर हर एक आर्टिस्ट की एक प्रोफाइल बनती है जो कि वर्स वन आपके लिए बनाकर देने वाली है। ये आपको हेल्प करने वाली है उन प्रोफाइल्स को अपग्रेड, अपडेट और मेंटेन करने में भी। और गाइस, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो आप म्यूजिक वीडियोस इनके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्स वन वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगा और प्रमोशन में भी हेल्प करेगा, जिसके थ्रू आप अपने सॉन्ग्स को ईजिली MTV, BET, म्यूजिक ब्लॉग्स और डिफरेंट नेटवर्क तक सर्कुलेट कर सकते हैं और चांसेस ये भी है कि इनमें से किसी एक नेटवर्क में आपके सॉन्ग को प्रॉपर फीचरिंग भी मिल जाए, है ना कमाल की बात। इसके अलावा गाइस, ये आपको हेल्प करता है आपके डेटा इनसाइट को समझने के लिए, एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है डैशबोर्ड के थ्रू और आपके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोफाइल बने हैं ये उन्हें वेरीफाई करने में भी आपको हेल्प करता है। इसके अलावा साथ ही साथ ये आपके सोशल मीडिया में जो आपके अकाउंट्स हैं ये उनको वेरीफाई करने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्होंने एक
यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी रखी है, जिसकी वजह से आई एम श्योर कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो यस गाइस, जितनी भी सर्विसेज अभी तक मैंने आपको बताई है, ये सारी सर्विस आपको फ्री में मिलने वाली है, और आपको अपफ्रंट अपने सॉन्ग्स को लाइव करने के लिए और ये सर्विसेज गेन करने के लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट्स नहीं करनी है। बट जैसे ही आपकी पेमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, आपके सॉन्ग के नंबर आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके रेवेन्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वर्स मैन उसमें से 15% एजेंसी कमीशन, 50% डिस्ट्रीब्यूशन फीस अपने पास रखने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से काफी जायज, काफी रिजनेबल है, क्योंकि ये आपको अपफ्रंट हेल्प कर रहा है ये सारी सर्विसेज गेन करने में, और एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो इसमें किसी भी तरह की फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम है, और आई एम श्योर कि आपको टाइमली पेमेंट्स भी यहाँ पर मिल जाएगी। सो वेल गाइज, ये तो थी वो सारी सर्विसेज जो आपको फ्री में मिलने वाली है विद वर्स वन, और अब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल सर्विसेज की जो कि आप पे कर सकते हैं, बट इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, इससे आप अपने करियर में बेनिफिट लेकर आ सकते हैं, अपने म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉल्बी मास्टर्स की। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल म्यूजिक डॉल्बी मास्टर्स को बहुत ज्यादा रेकमेंड करता है और आपको बहुत सारे प्रमोशनल प्लान्स में आपको हेल्प करता है, और गाइज अपने नॉर्मल मास्टर को आप डॉल्बी एटमोस मास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दिस कन्वर्जन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्स वन इज गोइंग टू चार्ज यू $29.99, जो कि आपको अपफ्रंट नहीं देने हैं। जब आपके रेवेन्यूज जनरेट हो जाते हैं तो ये उसी में से ही ये अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। सो वेल गाइज, आई एम श्योर कि आपको ये भी पता होगा कि एप्पल म्यूजिक प्रो रेस फॉर्मेट को काफ़ी ज़्यादा पुश करता है, इसके अलावा वीवो प्रो रेस फॉर्मेट को काफ़ी ज़्यादा पुश करता है, और आप चाहते हैं कि एप्पल म्यूजिक से आपको प्रमोशनल प्लान्स मिले और आप अपने म्यूजिक वीडियो को सही तरीके से एप्पल म्यूजिक पे पुश कर सके, तो वहाँ पर आप अपने किसी भी म्यूजिक वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ वर्स वन, जहाँ पर दे आर गोना चार्ज यू $40.99, जो कि आपको प्रो रेस में आपके म्यूजिक वीडियो फॉर्मेट को चेंज करके देंगे, कन्वर्ट करके देंगे, और ये पेमेंट भी आपसे तब चार्ज करेंगे जब ऑलरेडी आपके रेवेन्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक एस्पिरेशन होती है, जिनको ये लगता है कि यार हमारा खुद का एक वीवो अकाउंट होना चाहिए, वीवो चैनल होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा है कि ड्रेक, जस्टिन बीबर, इन सारे आर्टिस्ट के जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके अपने खुद के वीवो मैनेज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपके अंदर वैसी कोई एस्पिरेशन है तो $45 के अंदर आप पे करके आप अपना खुद का एक वीवो चैनल भी सेटअप कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रमोशंस और रेडियो प्रमोशन सर्विसेज भी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट सर्विसेज पे और आपके बजट पे। आई एम श्योर गाइस कि ये सारी सर्विसेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अपने सॉन्ग को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने में, और साथ ही साथ उनको एक नेक्स्ट लेवल तक, जो उनका एक्सपोजर है, जो उनकी रीच है, वहाँ तक लेकर जाने के लिए। इन केस अभी भी आपको वर्स वन को लेकर कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द सॉल्यूशन। मैं आपको साथ ही साथ लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप जाके इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके सर्विसेज, इनके डैशबोर्ड को, और अगर आप कन्विंस होते हैं तो आप इनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। सो यस गाइज, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे बेनिफिट हो सके। काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जो कि पेड सर्विसेज की तरफ नहीं जा पाते हैं और उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो उनके करियर में किसी भी तरह का कोई स्पीड ब्रेक करना है, किसी भी तरह की कोई हर्डल ना है, तो अगर आप ये वीडियो किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ शेयर करने वाले हैं तो उसको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स अ वास्तु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। पीस।